नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। हल्दी के बहुत अच्छे गुण होते हैं, सब घरों में हल्दी यूज़ होती है। हम इंडियंस तो हल्दी के बिना किसी का भी खाना नहीं बनता, किसी की भी जो सब्जी है वो पूरी प्रॉपर नहीं होती है, सबके घर में हल्दी होती है। तो आपने भी कभी सोचा है कि क्यों हल्दी सबके घरों में इस्तेमाल होती है? क्योंकि हल्दी के बहुत अच्छे गुण होते हैं। हल्दी एक ऐसी चीज़ मानी जाती है कि अगर आप चोट पर लगाते हैं तो वो जल्दी ठीक कर देती है। किसी को गुम चोट लग जाती है तो वो हल्दी का दूध पीता है तो उसकी जो चोट है, उसका जो दर्द है, वो जल्दी हील हो जाती है। तो हल्दी सोचे कि आपका जो हीलिंग पावर है आपकी बॉडी को, उसको इन्हांस करती है। तो ऐसे ही जब एक विटिलिगो किसी को होता है, तब अगर वो हल्दी पिए, हल्दी का उपयोग करे, तो उसको बहुत फ़ायदे होते। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि क्या हल्दी से आपका जो विटिलिगो है वो जल्दी ठीक हो सकता है। मेरा आंसर रहेगा यस। हमारे जो हर्ब्स होते हैं, जो हमारे मसाले होते हैं, कुछ बहुत सारे अनोखे उनके अंदर गुण होते हैं। ऐसे ही हल्दी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम कर्क्यूमिन कहते हैं। कर्क्यूमिन साइंटिफिकली रिसर्च किया है, इवन डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, कि कर्क्यूमिन के अंदर जो हीलिंग पावर है बहुत अच्छी है, जो आपकी एंटीसेप्टिंग पावर है वो भी है, और आपकी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने की पावर है वो भी है। और विटिलिगो में ये तीनों चीज़ें हो रही होती है कि आपकी हीलिंग पावर कम हो जाती है, आपके बॉडी में, आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, फ्री रेडिकल्स क्रिएट होने लगते हैं, और आपको ऑटोइम्यून बीमारी हुई है, तभी विटिलिगो हुआ। तो अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी ऑटोइम्यून बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके शरीर की हीलिंग पावर अच्छी होगी, आपका शरीर स्ट्रोंग होगा, आपकी जो क्षमता है आपकी हील होने की, या फिर आपकी कोशिकाओं को ठीक होने की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने की, तब आपका विटिलिगो जल्दी ठीक होगा। ये मिथ नहीं है कि हल्दी से आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जब हम मॉडर्न हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि स्टेरॉयड खा लो ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो हमारी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हमें बहुत हद तक ठीक करती है, क्योंकि पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न उनके पीछे होता है। तो इसीलिए मैं अपने विटिलिगो के पेशेंट्स को रिकमेंड करूँगी कि आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो आप उसको एक गिलास पानी में 2-3 चुटकी हल्दी डाल के, या फिर 1 ग्राम हल्दी डाल के रात में उसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी, आपकी शरीर में जो ऑटोइम्यून बीमारी है वो स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। हल्दी का आप उपयोग करें और मुझे अपने रिजल्ट बताएं कि हल्दी इस्तेमाल शुरू करने के बाद आपको अपने शरीर में क्या क्या इफेक्ट दिखे। धन्यवाद।